अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने जा रहे हैं तो ये आपको महंगा पड़ने जा रहा है। लगभग सभी ईवी कंपनियों ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी की है। किस कंपनी ने कितनी बढ़ोतरी की है ये हम आपको बता दें। सबसे पहले बात करते हैं ओला की। इसने S1 और S1 Pro में जो है उसकी कीमत में बढ़ोतरी की है लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में। एथर एनर्जी की बात करें तो उसने अपने सभी मॉडल्स में लगभग 8,000 रुपये जो है उसमें कीमत में बढ़ोतरी की है, उसके खासतौर पर जो 450X है उसमें। बजाज चेतक ने भी अपनी कीमत बढ़ाई है लगभग 22,000 रुपये के लगभग। TVS का iQube यहाँ पे 17,000 से 22,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा ग्रीव्स ने भी अपनी कीमत बढ़ाई है, हालांकि इसकी जो घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। मैटर ने कहा है कि वो कीमत बढ़ाएगी लेकिन फिलहाल उसने कीमत नहीं बढ़ाई है, वो 5 जून के बाद से कीमत बढ़ाएगी। और बाकी जो कंपनियाँ हैं, चाहे वो रिवॉल्ट हो या बाकी कंपनियाँ हैं, वो भी कीमत बढ़ाने जा रही हैं, लेकिन सबकी घोषणा अभी नहीं हुई है। आने वाले दिनों में इसकी घोषणा होगी। और इसका कारण ये है कि आज से जो सब्सिडी स्कीम है सरकार की FAME II, उसमें सब्सिडी में कटौती की गई है। पहले 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर सब्सिडी मिलती थी, आज से 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर मिल रही है। पहले किसी MRP का 40% तक सब्सिडी ले सकती थी कंपनियां, अब सिर्फ 15% जो है सब्सिडी ले सकती है। और इसी कारण से इन कंपनियों को अपनी कीमत बढ़ानी पड़ी है। अब देखना यह होगा कि ये जो महीना है उसमें इस जो बढ़ी हुई कीमत है उसका असर EV टू व्हीलर की सेल पे कितना रहता है।